खत्म हुआ? दाऊद खान। दाऊद खान, खान जी किसके पास जा रहे हैं इस बार? पवन सिंह जी को। पवन सिंह के पास जा रहे हैं। संसदीय फंड में जितना भी पैसा आता है, एक भी पैसा का पवन सिंह रोटी नहीं खाएगा, सारे के सारे जो है गरीब बेटी बहन को शादी करवाएंगे या काराकाट लोकसभा क्षेत्र में विकास करेंगे। का दुर्भाग्य कहा जाएगा, पता नहीं काराकाट से जीतने के बाद ऐसे लोग जब यहाँ से भागते हैं जैसे गधे के माथे से सिर गुम होता है। क्या लग रहा है आपके दुकान में लोग चाय पीने आ रहे हैं, किसका चर्चा हो रहा है? राजद गठबंधन को वोट देंगे। राजद गठबंधन को वोट देंगे, क्यों? इसलिए देंगे कि मुझे न रहीम चाहिए न राम चाहिए, मुझे सिर्फ काम चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी हमारे यहाँ से एक ही नहीं है, तीन तीन चार चार प्रत्याशी, लेकिन चर्चा में जो है एक है। और रही बात गुणों की, जहाँ तक बात है, एक प्रत्याशी लड़ रही है, किरण प्रभाकर जी भी लड़ रही है, और काफी पढ़ी लिखी काफी सुलझी हुई महिला है, और एक और प्रत्याशी, मैं सारे लोगों का नाम तो नहीं जानता, बिल्कुल लेकिन पवन सिंह का नाम थोड़ा सा सिंगर होने के, हाँ, एक प्रियंका चौधरी है और ये सिंगर पवन सिंह जी हैं। तो पवन सिंह गायन के नाम, गायन के चलते इनको लोग जानता, हाँ हाँ हाँ, एक अच्छे गायक हैं, अच्छे सिंगर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कहीं से दो मत नहीं है। और पवन सिंह लड़ाई कितना दे पाएंगे मुझे अभी तक वैसा माहौल नहीं दिखा। अच्छा ये बताइए, सवाल ये है कि किसके साथ टक्कर रहेगा, पवन सिंह के, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ टक्कर रहेंगे या राजा राम कुशवाहा के, उपेंद्र कुशवाहा के साथ टक्कर रहेंगे? देखिए सीधे सीधे आपको बता दूं, आज यहाँ लड़ाई आज एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। एनडीए और महागठबंधन के बीच में है, और ये काराकाट बाजार के लोगों से बात कर रहे हैं, ना ही कि कहीं अलग से, और काराकाट के जनता होने के नाते अपना जो है ओपिनियन दे रहे हैं। जी जी, रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह किस पोजीशन में रहेंगे मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन इस लड़ाई के दौर में अभी पीछे हैं। अभी लड़ाई के दौर में पीछे, कहीं ना कहीं उनका दो दिन पहले नॉमिनेशन हुआ था, उसमें लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची हुई थी, इसको कैसे देखते हैं? आपने जितने लोगों का नाम नॉमिनेशन देखा, किसमें भीड़ नहीं थी हमको ये बता दीजिए कि फलाने के नॉमिनेशन में सभी में था, लेकिन उनमें कुछ युवा लोगों का अधिक समर्थन दिखा। रही बात युवाओं की, मैं यहाँ टीम देख रहा हूँ, उनके उनके मंच पर देखा कि सारे बाहर के ही कलाकार आके भरे हुए थे और वहाँ से वोट के लिए संबोधन कर रहे थे, तो क्या उसमें आधे लोग उस तरह के थे, तो वो क्या वोट का हिस्सा है क्या? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि 18 से 25 के जो जितने भी 18 से 25 वाले हैं, सारे के सारे लफुआ है, लेकिन 18 से 25 वाले का कहना यह है कि 18 से 25 वाले की इतनी ताकत है कि इतिहास बदल देंगे इस बार। देखिए मैं उम्र का कोई वर्गीकरण नहीं, जो भी इस भारत का नागरिक है और 18 वर्ष का है, वोट देने का उसको अधिकार है, तो और इस तरह की भाषा जो उपेंद्र जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, मेरे लिए सबके जो भी वोटर है सबके लिए सम्मान है, सबके लिए सम्मान है, सारे वोटर। अच्छा बताइए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में इस बार विकास का मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा क्या रहेगा इस बार काराकाट में? क्योंकि आपने पहले भी देखा है, क्या बोलते हैं, महाबली सिंह जी को भी देखे हैं आपने, और उपेंद्र कुशवाहा जी के भी देखे, उन्होंने केंद्र में मंत्री भी थे, तो उनका विकास देखते हुए अब जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें आप क्या देखते हैं? आपको सच बता दूं, अभी हम लोग काराकाट में बैठे हुए हैं, आप किधर भी नजर दौड़ा के देख लीजिए कि काराकाट की दुर्दशा क्या है। आज काराकाट भारत के नक्शे चर्चित पर, बहुत चर्चित, हाँ चर्चित लोकसभा क्षेत्र होने के बावजूद जो काराकाट नाम है, वहाँ जा आके देख लीजिए, मुझे लगता है कि संवैधानिक कोई भी बुनियादी सुविधाएं यहाँ नहीं है, नहीं है, यहाँ तक कि एक छोटा थाना ब्लॉक। अच्छा, आप सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं राजा राम कुशवाहा को, कहने का मतलब जैसे लग रहा है मुझे, लेकिन सवाल एक ये है, उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री भी थे, सांसद भी थे, लेकिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो इतना बड़ा है, लेकिन आज तक काराकाट में एक थाना नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए काराकाट में उपेंद्र जी या कोई भी हुआ है, पहले सांसद नहीं हुए और मंत्री नहीं हुए, बहुत लोग सांसद हुए यहाँ से मंत्री हुए, अब काराकाट का दुर्भाग्य कहा जाएगा, पता नहीं काराकाट से जीतने के बाद ऐसे लोग जब यहाँ से भागते हैं जैसे गधे के माथे से सिर गुम होता है, फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जीतने के बाद जो भी सांसद यहाँ से जीत के गए कभी घूम कर काराकाट के सुख दुख, काराकाट के विकास, काराकाट के लोगों के हित के संबंध में आके बात करते हो, कोई नहीं करता है, जीतने के बाद कोई नहीं। अभी तक का यहाँ का जो भी सांसद रहा किसी ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन अब सवाल मेरे ये भी है कि पवन सिंह जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार जो है पब्लिक का और जनता का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, और इस बार जो है हम झंडा गाड़ देंगे और ताल ठोक देंगे, क्या कहना है इस पर? पवन सिंह
पवन सिंह अगर कह रहे हैं कि झंडा गाड़ देंगे चुनाव जीत जाएंगे, हमारी शुभकामना है जीत जाए। मेरी उनका समर्थन है, अरे मेरी सद्भावना है भाई जी, समर्थन क्यों नहीं है, जुआ है, नौजवान है, अगर वो जीतते हैं और इस क्षेत्र का ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के विकास होंगे, बिल्कुल। और विकास वहाँ पे भरे मंच पर जब नॉमिनेशन के दिन उन्होंने कसम भी खाया कि सांसदीय फंड में जितना भी पैसा आता है एक भी पैसा का पवन सिंह रोटी नहीं खाएगा, सारे के सारे जो है गरीब बेटी बहन को शादी करवाएंगे या काराकाट लोकसभा क्षेत्र में विकास करेंगे। आप एक बात बताइए, उपेंद्र कुशवाहा से लोगों ने पूछा कि आप एक बार यहाँ से सांसद मंत्री रहे, आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया, मंच से उन्होंने कहा कि आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगले बार से ये शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी और मैं काराकाट को काराकाट बना दूंगा। तो काराकाट को काराकाट बना देंगे तो पिछले 5 साल में आपने क्या? हाँ नहीं, काराकाट को कौन सा काराकाट बना देंगे, फिर यही काराकाट बना देंगे कि इससे बदतर काराकाट बनाएंगे। और रही बात राजा राम जी की, तो राजा राम जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, सुलझे हुए लोग हैं, सबका है। अब जनता यहाँ का क्या डिसीजन लेती है, जब पब्लिक पे निर्भर है सब। चलिए पब्लिक पे निर्भर है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं इनका राय क्या है, क्या विचार है इस बार। क्या विचार मतलब? पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी लड़ रहे हैं और एक साइड राजा राम कुशवाहा जी भी है, तीनों का चर्चा हर जगह पे हो रहा है क्योंकि और भी सारे कैंडिडेट हैं, निर्दलीय कैंडिडेट हैं, उनका चर्चा कम हो रहा है, तो आपकी जो वोट है किनके साइड जा रही है? देखिए हम तो मुख्यतः राजद गठबंधन को वोट देंगे। राजद गठबंधन को वोट देंगे, क्यों? इसलिए देंगे कि मुझे न रहीम चाहिए न राम चाहिए, मुझे सिर्फ काम चाहिए। तो आप राम के विरोधी है क्या? यहाँ जो मतलब मेरे धर्म के आधार पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए। विकास चाहिए तो धर्म का, हमने तो धर्म के नाम ही नहीं लिया, आपने खुद राम के नाम लाए। ना हम इस बात इसलिए कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो विकास करेगा उसी को हम वोट देंगे। 4 लाख कौन करेगा आपके हिसाब से विकास? सुनिए मेरी बात सुनिए, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। जिसने रोजगारों बेरोजगारों को रोजगार दिया, तकरीबन 3 लाख शिक्षकों की बहाली हुई तत्काल अभी 18 महीने के अंदर, हम उसी को वोट देंगे, उसी को वोट देंगे। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो तेजस्वी यादव कहाँ से नौकरी दे देंगे? अच्छा तेजस्वी यादव नहीं देंगे, जब मान लीजिए अभी तो ये केंद्र की बात है, फिर विधानसभा का पाएगा मौका, राज्य की बात है। हाँ तो फिर उसके बाद जो देखा जाएगा उसमें क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है, तो आपकी जो वोट है राजा राम कुशवाहा के तरफ। हम तो देखिए बिल्कुल काम वाले को समर्थन करें, किसी जाति से किसी कास्ट से हो। मतलब आपको लगता है कि इस बार राजा राम कुशवाहा आएंगे तो काराकाट में विकास होगा? विकास देखिए काराकाट की जहाँ तक बात है, काराकाट क्षेत्र बहुत पुराना क्षेत्र है, परंतु अभी तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। काराकाट जो है पहले से ही एकदम बिल्कुल मने हुआ, पहले से ही। अभी देखिए ये जो अभी सांसद हमारे थे उपेंद्र कुशवाहा, इन्होंने भी कोई विकास नहीं किया और जीर्ण स्थिति में काराकाट है। नहीं चलिए यहाँ पे भी दिखाइए, यहाँ पे मिठाई का दुकान है, इससे भी दिखा दीजिए थोड़ा, और भैया का दुकान का भी नाम पूछते हैं, क्या है क्या भैया दुकान का नाम? दुकान के नाम क्या है? कृष्ण मिष्ठान। क्या लग रहा है आपके दुकान में लोग चाय पीने आ रहे हैं, किसका चर्चा हो रहा है? चाय तो पीने आ रहे हैं ना कस्टमर? चर्चा अभी सब जितना आदमी है सब कोई कुछ करते हैं, पवन सिंह का चर्चा भी हो रहा है यहाँ पर। अच्छा लोग क्या बोल रहे हैं पवन सिंह के बारे में? क्या बोल रहे हैं लोग पवन सिंह के बारे में? बोल रहे हैं कि जीत रहे हैं, पवन सिंह जीत रहे हैं। मिठाई के दुकान वाले चाचा बोल रहे हैं, यहाँ पे दिखाइए मिठाई भी बन रहा है यहाँ पे गर्मा गर्म, अंदर आ जाइए। आपका यहीं से है, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से है ना आप? हेलो कहीं बात कर रहे हैं, चलिए दूसरे से बात कर ले। भैया क्या नाम हुआ? दाऊद खान। खान जी किसके पास जा रहे हैं इस बार? पवन सिंह जी को। पवन सिंह के पास जा रहे हैं, खान है क्यों? व्यवहार पर क्या व्यवहार क्या अच्छा लगा पवन सिंह का? पहले तो वो स्टार हैं और हमारे बोलिए सुन लीजिए और विकास करेंगे यहाँ, विकास करेंगे। क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा? हाँ बोलिए। उनसे उम्मीद है हम लोग को। क्या उम्मीद है उससे? विकास के लिए। विकास का इनको जो है पवन सिंह से उम्मीद है और खान साहब है। अच्छा हाँ बोलिए। बहुत लोग को देख लिए हम लोग, इनको भी देख के एक बार देखते हैं, इनको भी एक बार मौका देना चाहते हैं। जी चांस देना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं बोलिए बोलिए भैया। हाँ चाहिए। देखिए मोबाइल पे फोन किया, कोई नहीं बोल रहा है मोबाइल पे, पवन सिंह जिंदाबाद। अच्छा आप किसको जिंदाबाद कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं चाय छाप। चाय छाप कौन है? मोदी जी। अच्छा मोदी जी, और चाय पी भी रहे हैं और चाय के दुकान में भी है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा के साथ में है। क्या नाम हुआ आपका? दूसरा जगह इस क्षेत्र के नहीं है, केकरा के वोट? जोना क्षेत्र में थे आप, उसमें किसको वोट दिए आप? हाँ मैं
पाँच साल पहले। अभी अभी नहीं देने गए हैं? अभी कहाँ वोट लिया है। अच्छा आपके क्षेत्र में कब है चुनाव? एक तारीख को। एक तारीख को किसको देंगे आप? है किसको देंगे आप? अरे वो घर सोचल जाई तब वो मन में विचार चलत हुई ना। कैसे भैया कैसे कह दिया मन देवे के बाद मोदी के राहुल गांधी के या फिर पवन सिंह के? आए पवन सिंह के। पवन सिंह के। चलिए यहाँ पे दुकान था और दुकान का भी लोगों का राय जान लिए और यहाँ पे दिखा दीजिए सारा चीज जो है। मिठाई उठाई का दुकान है। एक बार और नाम बताइए चाचा दुकान का। दुकान का एक बार और नाम बताइए। कृष्ण मिष्ठान। कृष्ण मिष्ठान है जो कि काराकाट मार्केट में ही है। और जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे तमाम सारे जो लोग आते रहते हैं चाय पीते रहते हैं और जहाँ पे चाय की दुकान होती है वहाँ पे तमाम सारे जो बातें होती रहती है। और इसीलिए हमारी प्रयास ये थी कि चाय के दुकान में जाएं और चाय वाले चाचा से ही पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ का माहौल चल रहा है। बात बाकी आपका क्या विचार है, अपना राय विचार जो है कॉमेंट में जरूर डालिएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। जय।